हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गाजर मेथी की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और ये विदाउट अनियन बनती है। आजकल प्याज इतने महंगे हो रखे हैं, तो आप इस सब्जी को ट्राई कीजिएगा अपने घर में। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों मैंने पैन यहाँ पर कढ़ाई अपने चढ़ा दी है और तेल इसमें मैंने फॉर्च्यून ऑयल गर्म कर लिया है। और ये दोस्तों खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप प्लीज़ इसको घर पे एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। तो यहाँ पे हमने दोस्तों तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें जीरा डालेंगे दोस्तों। साबुत जीरा है ये मेरे पास, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसको जीरे को यहाँ पे भून लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने 8 या 9 कलियाँ ली हैं लहसुन की और हरी मिर्च की। आप इसमें अदरक भी साथ में ले सकते हैं और मैंने इसको कूट लिया है। ये दोस्तों कुटनी होती है जो मैंने इसमें इसको कूट लिया है अच्छे से। और आप इसको सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, आप इसको मिक्सी में भी चलाकर पेस्ट बना सकते हैं। मैंने इसमें से अदरक को स्किप करा है क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें खाली लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ है इसको। और मैं अब जीरा भूनते ही मैं इसमें ये पेस्ट डालूंगी। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, हम लाल मिर्च नहीं खाते हैं, तो मैंने इसमें हरी हरी मिर्च डाली है 3 से 4। आप इसमें रेड चिली का भी यूज कर सकते हैं। और इसको दोस्तों अच्छे से भून लीजिएगा, यहाँ पे गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कीजिएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे 1/2 किलो गाजर लिया है और उसको बारीक काट लिया है, ये शेप दे दिया आपको दिख रही है। और मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है, मेथी को अच्छे से धो लिया था क्योंकि मिट्टी होती है इसमें। तो मैं अब इसमें ये भून गया अच्छे से, अब मैं इसमें सब्जियाँ मिक्स करूँगी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको धोकर। और मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने भूना था उसके बाद मैंने इसको सब्जी को मिक्स कर लिया अच्छे से। और अब मैंने गैस को सिम पे कर दिया और मैं अब इसको ढक के पका लूँगी इस गाजर पकने तक। फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। और दोस्तों मैं इसको अभी ढककर पका लेती हूँ और हम इसका वेट करते हैं पकने का। देखिए दोस्तों हम 5 मिनट बाद अपनी सब्जी को देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे गाजर छोटी छोटी काटी थी, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे गाजर पक गई है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये दोस्तों हमारा नॉर्मल सॉल्ट है जो हम घर में यूज़ करते हैं डेली, कम डाला है मैंने क्योंकि मेथी में भी हल्का नमक होता है, आप अपने अकॉर्डिंग नमक को ले सकते हैं। ये दोस्तों हल्दी पाउडर है। ये दोस्तों धनिया पाउडर है, आप दोस्तों इसमें रेड चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं हमारे घर पे नहीं खाते हैं रेड चिली पाउडर, तो मैंने इसमें हरी मिर्चें पहले ही कूट दी थी। तो अब इसको यहाँ पर आप हिला देंगे और अगेन आप इसको ढक देंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे इसको हिला दिया है और अब हम इसको ढक के फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक अच्छे से गाजर पक नहीं जाती। तो देखिए दोस्तों हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं 5 मिनट के फिर बाद, इसको कम से कम 10 मिनट लगे हैं पकने के लिए। ये गाजर पके तब तक आपको पकाना है। और आप देख रहे हैं इसमें मेथी बहुत अच्छे से पक गई है और गाजर भी बहुत अच्छे से पक गई है। हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक मसाला ऐड कर रही हूँ, मसाला ये मैजिक है जो मैगी मसाला होता है, ये मैं काफ़ी सब्जियों में यूज़ करती हूँ, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया और अब आप इसको अच्छी तरह से मिला लें। अब ये गाजर मेथी की सब्जी दोस्तों बिल्कुल तैयार है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ परोसे या फिर दाल चावल के साथ आप इसको परोस सकते हैं, सूखी सब्जी के जैसे आप इसको परोस सकते हैं, और गर्म गर्म फुलके के साथ आप इसे इंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आती है मेरी रेसिपी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ओके गुड बाय दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।